हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड आप ये मान के चलिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक टॉप का स्टॉक हुआ करता था, बड़ा टॉप। अब टॉप का स्टॉक है, गिरावट की मार आई, बिल्कुल नीचे आ गया। लेकिन क्या अब क्वेश्चन ये है, क्या अशोक लेलैंड का शेयर अब उड़ने लगेगा? क्योंकि आज जो अनाउंसमेंट हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि अपने वित्त मंत्री जी जो है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। अब आप सोचोगे क्या अनाउंसमेंट करी है, चलिए देखते हैं अनाउंसमेंट की, उसके बाद ही आप बता पाओगे कि शेयर उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। तो ये देखिए, अशोक लेलैंड का शेयर गिरता गिरता 160 165 के लेवल से गिरता गिरता 54 के लेवल तक चला गया था। ये सच्चाई है, ये सपना नहीं है। ये देखिए 56 54 के लेवल तक आ चुका है। और अब आज की डेट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली। ये 59 60 के लेवल तक जरूर गया आज की डेट में, थोड़ा सा मैं कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन इतनी गिरावट के बाद बहुत लोग उम्मीदें टिकाए हुए हैं, अशोक लेलैंड ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। लेकिन आज जो सीतारमन जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने जो कहा है, ये देखिए वो क्या कहा है, क्या फ़ायदा मिलेगा। BS4 व्हीकल्स जो है वो 31 मार्च 2020 तक वो ऑपरेशनल होंगे, विल रिमेन ऑपरेशनल फॉर दियर फुल पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलिए बढ़िया बात है भाई, इससे तो मुझे लगता नहीं कोई फायदा हो सकता है। और दूसरी बात, उन्होंने क्या कहा कि जो बैन ऑन परचेज ऑफ व्हीकल्स बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अलाउिंग एडिशनल 15% डेप्रिशिएशन, टेकिंग इट टू 30% ऑन व्हीकल एक्वायर्ड फ्रॉम नाउ टू टिल 2020। तो 2020 बिल्कुल पास है, उससे भी लगता नहीं है मुझे कोई ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई फायदे वाला काम। अब बात आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अशोक लेलैंड जरूर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड IC इंटरनल कम्बशन व्हीकल्स ICV जो हैं वो रजिस्टर होंगे अभी भी। तो चलिए ये एक हो गया। और तीसरी चीज़ यहाँ पे जो कही है, द मिनिस्टर सेड दैट गवर्नमेंट फोकस विल बी ऑन सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरी कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग बैटरी फॉर एक्सपोर्ट। बैटरी एक्सपोर्ट के लिए, मतलब खुद के लिए तो बनाएंगे और एक्सपोर्ट के लिए भी बैटरी बनाने की सोच रहे हैं यहाँ पे, तो इससे भी कोई फ़ायदा होगा। तो भाई ये तो इलेक्ट्रिक वाली बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बात है, तो आने वाले टाइम पे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो अभी की जो कंसर्न है वो मुश्किल। और ऑल्सो द गवर्नमेंट विल सून कम अप विथ स्क्रैपिंग पॉलिसी फॉर द व्हीकल्स, मतलब पुराने व्हीकल्स की स्क्रैपिंग पॉलिसी के साथ आने वाले टाइम पे आएगी। तब तो जब पॉलिसी आएगी तभी उसका पता लगेगा। फिलहाल अगर देखा जाए चीपर लोन्स यहाँ पे मिलने लग जाएंगे, चीपर लोन्स। और दूसरी चीज, तो ऑटो सेक्टर से मुझे नहीं लगता है कि जो ये अनाउंसमेंट हुई इतना फायदा हो सकता है। लेकिन इस अनाउंसमेंट से जरूर फायदा हो सकता है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो है, जो FPI है या FII है, यहाँ पे उनके इन्वेस्टर पे जो एडिशनल, अगर आप देखें सरचार्ज ऑन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो उनको होता है, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैज बीन विदड्रॉन, यानी ये निकाल दिया गया जो इक्विटी शेयर के ट्रांसफर पे जो गेन इनको होता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है FPI के लिए मैं कहूँगा। तो यहाँ पे जो फायदा होगा इससे होगा कि पैसा और इंडियन मार्केट में आ सकता है, तो ये चीज़ एक पॉजिटिविटी है जो ना कि खाली ऑटो सेक्टर के लिए, बाकी सेक्टर के लिए भी एक पॉजिटिव बात है। तो ये सारी अनाउंसमेंट देखने के बाद अगर आप अशोक लेलैंड को देखें तो बिल्कुल नीचे आ चुका है फिलहाल के टाइम पे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिवाइवल यहाँ पे इसको, ये है कि अगर जो पॉजिटिविटी होगी तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो कि स्टॉक आपका सीधा ये 70 75 के लेवल पे जा सकता है या 80 के लेवल पे जा सकता है। लेकिन इससे बड़ी छलांग अभी के टाइम पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें। अगर आप करते हो तो वो आपकी स्पेकुलेशन है, वो आपकी कैलकुलेशन नहीं है, वो आपकी क्या है, स्पेकुलेशन। तो चलिए हमने ये बात करी अशोक लेलैंड की। और अगर आपको कुछ यहाँ पे इनपुट देना है तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू जरूर इनपुट दीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। निर्मला सीतारमन जी ने एक ही काम यहाँ पे मुझे लगता है अच्छा किया है, जो FPI है उनका सरचार्ज हटाया है यहाँ पे, ताकि वहाँ से बाहर से पैसा आएगा, तभी तो स्टॉक मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।